हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुलदीप सिंह। दोस्तों, कोविड-19 का कहर जारी है और ऐसे में ये दिशा निर्देश दिए गए हैं सरकार के द्वारा कि सभी को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है, लेकिन इसके साथ साथ अपने घरों से भी बाहर नहीं निकलना है। तो 24/7 आपको अपने घर में ही रहना है। तो ऐसे में महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार बढ़ गए हैं। दोस्तों, यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि डाटा कह रहा है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट के सामने ये डाटा रखा है, जिसमें कर्नाटका सरकार ने हाई कोर्ट को यह बताया कि 24 मार्च से 24 अप्रैल तक 477 फ़ोन कॉल्स उनके पास में महिलाओं के आए, और उनमें उन्होंने बताया कि उन सभी के साथ में डोमेस्टिक वॉयलेंस हो रहा है, जिसमें से 315 कॉल सांत्वना सेंटर पर आए हैं। मैं आपको बता दूं कि सांत्वना के टोटल 193 सेंटर हैं कर्नाटका स्टेट में। तो सांत्वना सेंटर्स तालुका और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 24/7 काम कर रहे हैं। तो ये महिलाओं के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, और इन सांत्वना सेंटर्स में काउंसलर्स एंड सोशल वर्कर्स काम करते हैं, और काउंसलर्स फ़ोन कॉल पर ही महिलाओं को काउंसलिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के समय में वो घर घर पर जाकर के या फिर जिन महिलाओं को आवश्यकता है उनके घर पर नहीं जा पा रहे हैं, इसीलिए ही वो फ़ोन कॉल पर ही काउंसलिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा विमेन हेल्पलाइन नंबर 181 पर 1194 फ़ोन कॉल्स आए हैं महिलाओं के। उनमें से 162 महिलाओं ने बताया कि उनके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। ये वीमेन हेल्पलाइन नंबर कर्नाटका स्टेट में इंडियन गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसको अप्लाई किया गया है, जिसमें हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के द्वारा काम किया जा रहा है। तो वीमेन हेल्पलाइन नंबर 181 पर 162 कॉल आई डोमेस्टिक वायलेंस की, और सांत्वना सेंटर पर 315 कॉल आई। तो ये दोनों मिला करके 477 फ़ोन कॉल्स होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, जो केवल 1 मंथ में आए हैं कर्नाटका स्टेट के अंदर। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कर्नाटका स्टेट में 18 प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग प्रोटेक्शन ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं, और इन प्रोटेक्शन ऑफिसर्स का यही काम होता है कि जिस किसी भी महिला के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो वो उस महिला तक जाएं, उसकी देखभाल करें कि क्या उसके साथ में वाकई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, और अगर ऐसा पाया जाता है तो उस महिला को उसके घर से ला कर के अलग सेफ जगह में रखेंगे, और वो प्रोटेक्शन ऑफिसर उसका ध्यान रखेंगे कि उस महिला को किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद में केस चलाया जाएगा उस महिला के फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट में। तो इस तरीके से प्रोटेक्शन ऑफिसर काम करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए। लेकिन कर्नाटका स्टेट ने बताया कि उनके पास में केवल 18 प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं। इसके अलावा 186 चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर्स हैं। तो इन 186 चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर्स को भी अब एडिशनल काम दे दिया गया है प्रोटेक्शन ऑफिसर का। तो ये लोग भी प्रोटेक्शन ऑफिसर के तौर पर स्टेट में काम कर रहे हैं। लेकिन कर्नाटका गवर्नमेंट ने यह नहीं बताया कि इन 477 फ़ोन कॉल्स में से कितनी महिलाओं को प्रोटेक्शन ऑफिसर्स ने जाकर के देखा है कि वाकई में क्या उनके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, और उन्हें जो लीगल रेमेडी है वो प्रोवाइड करवाई है फिर नहीं करवाई है। तो इसका कोई डाटा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड नहीं करवाया गया है कर्नाटका हाईकोर्ट को। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये डाटा केवल कर्नाटका गवर्नमेंट का है। इसके अलावा भारत में और कितने स्टेट हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इन सभी में कितनी महिलाएँ हैं जिनके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस की घटनाएँ हो रही हैं इस लॉकडाउन के दौरान। इसके अलावा कर्नाटका स्टेट में भी कितनी ऐसी महिलाएं होंगी जिनके पास में फ़ोन कॉल्स नहीं होंगे, जो कि थोड़ी बैकवर्ड हैं, विलेजेस में रहती हैं, तो उनके पास में फ़ोन कॉल्स नहीं होंगी,
कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें हेल्पलाइन नंबर के बारे में जानकारी नहीं होगी, और कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा होगा। तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि पूरे देश में कितनी महिलाओं के साथ में आज कोविड 19 की इस महामारी के समय में उनके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस की घटनाएं हो रही हैं। दोस्तों, महिलाओं को केवल इतनी ही जानकारी हो पाती है कि उनके साथ में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी अगर वायलेंस हो तो वो पुलिस स्टेशन जाएं, वहां जाकर के अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाएं। और अगर आज के समय कोई महिला ऐसा करती भी है तो ऐसे में जब वो पुलिस स्टेशन के लिए अपने घर से बाहर निकलेगी, उसी समय ही जो भी कोई पुलिस ऑफिसर उसे सबसे पहले मिलेगा वो ही उसे वापस उसके घर पर भेज देगा। और ये कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि जान है तो जहान है, और ये बात प्रधानमंत्री महोदय ने स्वयं ने कही है। तो दोस्तों, अभी आप अपनी स्क्रीन पर जो एक कॉन्टैक्ट नंबर देख रहे हैं, ये मैंने राष्ट्रीय महिला आयोग मीन्स नेशनल कमीशन फॉर विमन की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए हैं। वहाँ पर आप जाकर के चेक कर सकते हैं, और इन नंबर पर कोई भी महिला जो कि डोमेस्टिक वायलेंस से या फिर किसी भी अदर रीजन से अगर उसे परेशान किया जा रहा है तो वो अपनी शिकायत यहाँ पर दर्ज करवा सकती है कॉल करके। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आप ये नंबर उन सभी महिलाओं तक पहुँचाएँ जिन्हें आज के समय इसकी ज़रूरत है। तो इस वीडियो को इतना अधिक शेयर करो ताकि सभी महिलाओं तक और ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके, ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन जाए, ये कॉन्टैक्ट नंबर जाए, और उनके साथ में अगर ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस और अदर इलीगल एक्ट अगर हो रहे हैं तो वो इन कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से मैंने एक जागरूक नागरिक होने के नाते ये वीडियो बना करके आपको जानकारी दी है, उसी प्रकार से ही आप एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप ये वीडियो उन सभी महिलाओं और पीड़ित लोगों तक पहुँचाएंगे जिसे आज इसकी ज़रूरत है, क्योंकि लॉकडाउन का समय है और अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।